कायदा आगाज सबसे पहले आपको खबर दे रहे हैं कि जमात इस्लामी ने बजट में टैक्सेस के खिलाफ 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि धरना टैक्स और बिजली के बिलों में स्लैब सिस्टम के खिलाफ भी होगा। कहा, हुकूमत को जालिमाना टैक्स लगाने पर कोई शर्मिंदगी नहीं। बजाय इसके कि हुकूमत को कोई शर्मिंदगी हो, प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े एजाज से बताते हैं कि हमने IMF के साथ मिलकर बजट बनाया है। बड़े बड़े लोग मजे कर रहे हैं, IPPs में वो सारे लोग जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ पार्टियों से है, उनकी अय्याशियां लगी हुई हैं, और गरीब आवाम तो गरीब मिडिल क्लास फारिग हो रहा है। जमात इस्लामी ने इस बात का फैसला किया है, हम मुल्कगीर हड़ताल पर मशावरत कर रहे हैं। हम 12 तारीख को इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में एक ज़बरदस्त अजीम शान धरना करेंगे। ये एहतजाजी धरना बिजली के बिलों में कमी के लिए होगा, टैक्सों की कमी के लिए होगा। मराहत याफ्ता तबके को अपनी मराहत ख़त्म करनी होगी, बिजली के पर यूनिट वैल्यू को कम करना होगा और इन टैक्सेस के इसके निज़ाम को ख़त्म करना होगा। ये स्लैब सिस्टम के खिलाफ, इसके खिलाफ ये धरना होगा।